प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी ने लूटिस्ट नीति अपना रखी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक्टिस्ट नीति में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि त्रिपुरा में भाजपा सरकार के शासन में अभूतपूर्व बदलाव देखे गए हैं। मोदी ने कहा कि भगवान राम का जन्मोत्सव अयोध्या में उनके ही मंदिर में 500 साल के बाद मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अगरतला की रैली में कहा, कांग्रेस ने लूटिस्ट की नीति अपना रखी थी, वहीं भाजपा ने इसे एक्टिस्ट नीति में बदल दिया है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भारत में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए आवास बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लोगों को इससे बहुत फायदा मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला अंततः तंबू की जगह एक भव्य मंदिर में विराजित हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। मोदी ने कहा कि राज्य में राजमार्गों के उन्नयन के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कांग्रेस और मकापा पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर आलोचना करने वाले कांग्रेस के युवराज अब भ्रष्टाचार के आरोप में केरल के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किसी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।